हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज फिर से इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रिलेशनशिप है ई और एन का। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ ई और एन के बारे में, यानी वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बारे में। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम होती क्या है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्फेरिकल सॉलिड्स बनाए हुए हैं, यानी ये सॉइल के पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इनको एक साथ रखते हैं, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ होते हैं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस लेफ्ट हो जाती है जिसे हम वाइड कहते हैं। उस वाइड में या तो एयर हो सकती है, या तो उसमें वाटर हो सकता है, या बोथ पार्शली एयर पार्शली वाटर वाटर हो सकता है। तो इन तीनों को, यानी सॉलिड्स यानी सॉइल के पार्टिकल्स को, एयर को और वाटर को एक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम इससे इजीली जो वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप से उसको हम समझ सकें। तो हमने इन तीनों को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है जिसे हम थ्री फेज डायग्राम कहते हैं, यानी थ्री फेजेस हमने इसमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एक तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है, जिसमें या तो एयर होगा या तो वाटर होगी, और दूसरा जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो इन्हीं के रेशियोज जो होते हैं, एक तो वाइड रेशियो आता है और एक पोरोसिटी आता है। तो वो होता क्या है, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताऊँगा। वाइड रेशियो जो है वो हमने ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी ये दो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी जो वॉल्यूम वाइड का है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाइड ये वाला है, और रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, और यहाँ थ्री फेज डायग्राम में जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो ये सॉलिड्स है। और वहीं अगर पोरोसिटी की बात करें, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ वाइड आ जाता है टू द टोटल वॉल्यूम आता है। तो इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आएगा, यानी ये वाला फिर से पोर्शन, और टोटल वॉल्यूम यानी ये इसका टोटल वॉल्यूम आएगा, और यहाँ पे ये टोटल इसका वॉल्यूम भी आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आता है और इसके डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम आता है, यानी पोरोसिटी के डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम आता है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अगर चेंज हो गई, मान लीजिए अगर वो चेंज हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं। पर अगर हम पोरोसिटी की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स चेंज होगी तो टोटल वॉल्यूम में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो टोटल वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो टोटल वॉल्यूम में भी डिक्रीज होगा। तो इस वजह इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड्स चेंज होने पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इस पर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स चेंज होने पे टोटल वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो इजिली जो इसको हम ज़्यादातर यूज़ कर सकें तो वो वॉल्यूम वाइड रेशो ही होगा, यानी इसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये था थोड़ा बहुत वाइड रेशो और पोरोसिटी के बारे में। अब हम इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे निकालते हैं। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए हम यहाँ पे पोरोसिटी लेते हैं, जिसे हम एन से प्रेजेंट करते हैं। वो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अगर मैं इसे चेंज कर लूँ, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा ले लूँ, तो वन अपॉन एन हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अब टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पे फिर से थ्री फेज डायग्राम देखते हैं। टोटल वॉल्यूम में एक तो वॉल्यूम ऑफ वाइड आएगा, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, यानी इन दोनों का सम आएगा टोटल वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखें, वन अपॉन एन जो आएगा वो टोटल वॉल्यूम है आएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। इसको हम किस तरह से फिर से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा क्या, वन अपॉन एन इक्वल्स टू वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड टू दी वॉल्यूम ऑफ ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू दी वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो अगर हम इसको देखें और
हम यहाँ से अगर वॉइड रेशियो को देखें तो वॉइड रेशियो जो इसका अपोजिट आएगा, यानी इसमें वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमिनेटर में है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे न्यूमिनेटर में। तो अगर हम इसे थोड़ा चेंज कर लें, वन अपॉन एन इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और इसको हम थोड़ा नीचे ला लें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और इसी को हम जो है वॉइड रेशियो कहते हैं, वन अपॉन ई आ जाएगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाता है हमारे पास, ई प्लस वन अपॉन ई, और इसी को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो एन आ जाएगा हमारे पास ई अपॉन ई प्लस वन, इसका यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया, तो ये दोनों का रिलेशनशिप आ गया ई और एन के बीच में। तो अगर हम इसे दूसरी टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस वाली इक्वेशन को लें, मान लीजिए इसको हम ए इक्वेशन मानते हैं, तो हम इक्वेशन ए को लेते हैं और उसको आगे हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर वन अपॉन एन है वो वन प्लस वन अपॉन ई के बराबर है, और अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो वन अपॉन ई जो आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा वन अपॉन एन माइनस वन। तो वहीं इसे फिर से सिंपलीफाई करते हैं तो वन अपॉन ई जो है वो वन माइनस एन डिवाइड बाई एन आ जाएगा। अगेन सिंपलीफाई करने के बाद जो है इसको रेसिप्रोकल करते हैं यानी उल्टा ले लेते हैं, तो ई जो आ जाएगा एन अपॉन वन माइनस एन के बराबर आ जाएगा। तो ये दो रिलेशंस जो है ई एंड एन के बीच में, यानी एन को हमने फिर से रिप्रेजेंट किया ई में और यहाँ पे ई में ई को एन में, तो ये दो रिलेशनशिप्स आ गए जो वाइड रेशियो और पोरोसिटी के हैं। तो ये हमने अभी थ्री फेज डायग्राम से यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।